नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलिमा वर्मा, शासकीय नूतन कन्या का महाविद्यालय भोपाल से। आज का आपका प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो लेक्चर है, जैसा आपको पता है, प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन एग्जाम। आप जिस समय उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, पीजी में, तो इसके लिए यहाँ पर आपको किस तरीके से अपने आप को परीक्षा के लिए तैयारियां करनी चाहिए, उसके लिए आज की चर्चा हम लोग करेंगे। इंटरैक्टिव प्लीज होइएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। यदि आपको कुछ भी ऐसा लगता है, आप हाथ रेज कर दीजिए, बीच में रोक के भी प्रश्न पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। माइक की व्यवस्था कोऑर्डिनेटर्स सही रखें, ठीक है। तो टू बिगिन विथ, अपन को सबसे पहले ये देखना है कि हायर एजुकेशन है क्या। सबको पता है कि पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो थर्ड लेवल एजुकेशन होता है और जो फाइनल स्टेज की ऑप्शन आपकी फॉर्मल लर्निंग के द्वारा होती है, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, ट्वेल्थ के बाद आप या तो किसी कंपटीशन के एंट्रेंस नेशनल कोर्स में चले जाते हैं, अन्यथा फिर आप जो सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं, मतलब ट्वेल्थ के बाद की एजुकेशन, वो आप हायर एजुकेशन कहलाती है। और यह एजुकेशन, जैसा कि आपको पता है, कॉलेजेस से लेते हैं आप लोग, यूनिवर्सिटी से लेते हैं और किसी भी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से भी लेते हैं। ये एजुकेशन जो हम लेते हैं, जैसा कि हमने करियर ऑप्शन में भी आपको बताया था कि कुछ बच्चे अपना करियर ऑप्शन वोकेशनल डिग्रीज पे भी लेते हैं, क्योंकि आजकल जैसा कि स्किल एनहेंसमेंट के तरफ अपन का झुकाव बच्चों का ज्यादा है कि आपके पास कोई कौशल है, उस कौशल को लेके आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन आपको कॉलेज लेवल पर, इंक्लूडिंग वोकेशनल स्कूल्स और कैरियर कॉलेज, इससे भी आपको हायर एजुकेशन मिलता है। उसके अलावा हायर एजुकेशन जो वर्ड है वो आपका टीचिंग, रिसर्च, सोशल सर्विस, ये मतलब जो आज फर्स्ट ईयर में भी बैठा है उसका ध्यान ऊपर के लेवल तक, ऊपर और ऊपर, कि इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अंडर ग्रेजुएट के बाद की कौन से ऑप्शन ले सकता हूँ, और पीजी के बाद क्या मैं रिसर्च में जाऊंगा या जाऊंगी या मैं कोई अदर। तो हायर एजुकेशन इज सच एजुकेशन जिसमें आप पीजी यूजी दोनों पढ़ते हैं और उसके बियॉन्ड भी आप टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो जैसा हायर एजुकेशन जो कि हमारे उच्च शिक्षा में चल रहा है, हम उसके तहत ही बात कर रहे हैं। सबको मालूम भी होगा, लेकिन इट इज अ रेपिटेशन एंड रिमाइंडर ऑफ थिंग रिव्यू है कि हम सेमेस्टर प्रणाली में हैं। हमारे बच्चे दो बार एग्जाम देते हैं, दो बार सीसी वगैरह देते हैं, तो हम ये सारी चीजें इसको सिर्फ अपने जहन में देख के और इसको लाएंगे कि ईयर वाइज एग्जाम में जो एक साल की प्रणाली है उसमें दो भागों में सेमेस्टर, मतलब दो भागों में उसको हम कवर करते हैं। और इस कवरेज में जो उद्देश्य है आपका है कि आपकी मेमोरी रिकॉल्ड हो, ये नहीं है कि जो पिछला पढ़ा हुआ है वो आप भूल जाएं और आगे बढ़े। मतलब जो वन ईयर कोर्स है उसको दो भागों में बांटने का जो प्रयास है वो इसलिए है कि बच्चों की जो मेमोरी है वो और ज्यादा टुकड़ों में, जो ये पढ़ाई हो रही है, अगर इन डेप्थ पढ़ाई है तो आपके टॉपिक्स जो कवर किए जाते हैं वो आपके आपको मेमोराइज हो। सेमेस्टर सिस्टम में जो आपके टॉपिक कवर होते हैं उसमें आपकी लर्निंग प्रैक्टिस होती है, और शॉर्ट टर्म होते हैं ये, मतलब इनको आप कम समय में ज्यादा नॉलेज लेते हैं, और आपकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि निरंतरता में आपको पढ़ना पड़ता है, आपको कोई ज्यादा ऐसा ब्रेक नहीं मिल पाता है और सारा आपको इसी एक सेमेस्टर में क्लियर करना पड़ता है। तो सेमेस्टर जो स्कीम है वो यूजी पीजी दोनों के लिए एक आपको जस्ट, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको क्यों सेमेस्टर सिस्टम है और हम क्यों इस तरह से इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों को जहाँ एग्जाम की बात आती है तो आप लोग को मार्क्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यही वो मार्क्स हैं जिनको आपको एनहेंस करना है। और मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, ये मतलब जहाँ तक
एज ए टीचर मुझे पता है बच्चे ये स्कीम को देखते ही नहीं, सारे टीचर्स स्कीम को देखते हैं, बॉदर करते हैं, आपके लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है और सारा कुछ यहाँ पर हम लोग मैनेज करते हैं, बट स्टूडेंट्स को भी ये स्कीम सिर्फ लास्ट में आप मार्कशीट देख लेते हैं और आप तब कुछ कर नहीं पाते। तो मेरा यहाँ पे प्रयास है कि हमारे बच्चे पहले स्कीम देख लें, पहले स्कीम देख लें और प्रयास करें कि कहाँ कहाँ पे हम प्रयास अपने आप को एनहांस को बढ़ाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि कोई भी पेपर में आप थ्योरी में मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100 मार्क्स की थ्योरी है, उसमें से जो फाइनल एग्जाम सेमेस्टर का होगा तो 85 दैट इज एक्सटर्नल मार्किंग पे रहेंगे और 15 नंबर जो आपके वो इंटरनल मार्किंग पे होंगे। तो सीसी में 15 में से क्या हमारे बच्चों का ये प्रयास नहीं होना चाहिए कि वो सारे बच्चे हमारे 10 के ऊपर उनको मार्क्स मिले। जो मिनिमम मार्क्स स्क्रीन पे आपको 5 दिख रहा है और कुछ बच्चे इतना खराब करते हैं कि टीचर को 2 या 3 देने में भी मुश्किल जाती है, बट वी हैव टू क्लियर देम 5 नंबर मिनिमम देने पड़ जाते हैं। तो ये आप देखिए कि ये जो आज का आपका लेक्चर है, आपको कि सारे बच्चे प्रयास करें कि 15 नंबर के पॉकेट में उस तरह से है कि इंटरनल में अच्छा प्रयास करके इसको हासिल करें, एंड देन आपका वहां पे भी 85 में से मिनिमम पासिंग मार्क्स 28 है तो आपको देखना चाहिए कि आपको वहां पे काफी अच्छा। उसी तरह से प्रैक्टिकल में भी आपके 50 में से 17 मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं तो आप देखिए कि प्रैक्टिकल में भी आपको काफी अच्छे 45 के ऊपर मार्क्स मिले। टीम है जिनकी थ्योरी में प्रैक्टिकल है, सॉरी जिनके सिलेबस में या सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, वो प्रैक्टिकल भी देखें और थ्योरी भी देखें, तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक मार्क्स को देख के समझ के तभी हम लोग आगे अब बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे हमारे बच्चे। जो एकेडमिक रिफॉर्म आपको मिला है, जो एग्जामिनेशन की अपन बात कर रहे हैं स्कीम को लेके, तो एडमिशन प्रोसीजर तो आपको सबको पता है कि हायर एजुकेशन में एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं होती, आप एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको देख के ही आपको एग्जाम हो जाता है। लेकिन आजकल मैंने इसलिए इसको रिफॉर्म में लिया हुआ है कि हमारे बच्चों को आज से ही पता हो कि कहाँ पे हमको एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसकी तैयारी अभी है। जैसे एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में आजकल आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और उसकी तैयारी आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड ही होती है, लेकिन फिर भी विडंबना जो देखने में आ रही है कि वहाँ पे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, कई बार उनको एंट्रेंस में ही नहीं लिया जाता है, तो फिर उसके बाद पीएचडी कोर्स वर्क भी होता है, वहां पे भी पढ़ के आपको देना पड़ता है। तो ये जो एडमिशन प्रोसीजर है या ये एकेडमिक रिफॉर्म है, ये आपको यूजी पीजी के बाद का भी पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन मतलब कितने हायर तक, लास्ट डिग्री आपकी पीएचडी है, एमफिल या पीएचडी। सेमेस्टर प्रणाली में जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म है, सीसीई का पूरा फुल फॉर्म है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, दैट मींस कि सतत निरंतर मूल्यांकन जो है, मतलब जो अगर मान लीजिए आज मैंने पढ़ाया है तो मैं एज ए टीचर मुझे राइट है कि मैं 5-6 दिन बाद आपसे उसका मूल्यांकन कर सकती हूँ बाय गिविंग एनी सरप्राइज टेस्ट, या आपका जो कॉलेज में अगर ऑटोनोमस कॉलेज है या आपका यूनिवर्सिटी रिलेटेड एफिलेटेड है, जो भी आपके सिस्टम में आपको दिया हुआ है, शासन ने हायर एजुकेशन ने करीब करीब 12 मोड बनाए हैं। 12 मोड मतलब रोल प्लेस भी कर सकते हैं, फील्ड विजिट भी कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका मूल्यांकन हो कि जो पढ़ाई है वो आपके पॉकेट में कितनी है। सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन वो तो आप सबको पता है कि वो 85 मार्क्स का आप करेंगे और एंड ऑफ द एग्जामिनेशन में आप मतलब ये इंटरनल असेसमेंट्स करेंगे। और रिफॉर्म में हम ये भी चाहेंगे कि हम लोग एज ए टीचर आपके
मॉडल को कंटिन्यूस डेवलप करे, अपग्रेड करे, रिवीजन करे और जो पुरानी चीजें हैं हटा के. कई बार क्या होता है, जैसे साइंस में ले लें हम, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अब अपडेट हो गए हैं, तो वो पुराने ना पढ़ा के हमको नए पढ़ाने, तो थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन हमको करते रहना चाहिए, तो कैरिकुलम डेवलपमेंट होगा. और यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है. मैं इसलिए अंडरलाइन कर रही हूँ कि इससे बच्चों के जॉब पे असर आता है. यदि रिजल्ट टाइमली नहीं निकलेगा तो उस साल वो कहीं भर नहीं सकता है. यूजी लेवल पर भी मान लीजिए उसको भरना है, पीजी के बाद भी भरना है, या इवन ऊपर की लाइन पे जो मैंने एंट्रेंस बताया उधर के लिए भी. तो वो अगर यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर, दैट मीन्स कि टाइम से कोर्स टाइम सिकल खत्म होना एंड टाइम से थ्योरी एग्जाम होना, दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चों को बहुत भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनको अप एंड डाउन होते हैं कि आपका एग्जाम ही जुलाई में हो रहा है, जब जुलाई में जीरो क्लास बोली जा रही है आप एग्जाम दे रहे हो. तो दैट इज द थिंग विच शुड बी रिवाइज बाय द पॉलिसी मेकर्स. CCE जो कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, जो कि आपके इवैल्यूएशन जो कि स्टूडेंट का कॉलेज में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉलेज, तो आपका बच्चों का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए होता है कि टू रिड्यूस द प्रेशर, जो एग्जाम के पहले का जो एक प्रेशर है वो आपका इससे कम होता है. और CCE मेथड में जो ट्रेडिशनल चौक एंड बोर्ड मेथड है टॉकिंग, उसके बजाय अलग से भी आपको बहुत सारे मोड्स दिए जाते हैं, जो कि आप उस पे भी CCE को कर सकते हो. जैसे कि एग्जांपल में रोल प्ले करना है तो एक ग्रुप बना दिया आपने, रोल प्ले किया, प्रत्येक को एक वो दे दिया गया, किरदार दे दिया गया और उस पे उसने अपना प्ले करा, तो आपको मार्क्स, मान लो 5-5 नंबर पे आपका रोल प्ले हो रहा है तो उसमें मार्किंग हो जाती है. ग्रुप डिस्कशन में आपकी कोई लीडरशिप क्वालिटी देखनी है, या आपकी बोलने की परफॉर्मेंस देखनी है, या आपका देखना है कि आपको कितना आपका सब्जेक्ट ओरिएंट है, तो ये आपका यहां से निकल के आता है. तो मतलब कहने का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ट्रेडिशनल चौक मेथड को छोड़ के CCE का मतलब है कि आपका मूल्यांकन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं. आप क्लास में आके बैठे, आपको अचानक आपको किसी एक छोटे से टॉपिक पे बोर्ड पे लिख के सरप्राइज टेस्ट दे दिया, या आपके साथ क्विज कर लिया, तो दैट इज द CCE कि हमने अपने बच्चों को मूल्यांकन करा कि जो हम पढ़ाते हैं वो क्या इनको कंठस्थ है या याद है या अंडरस्टूड है. ये सारी बातें इसमें आती है. इसका एम जो है बच्चों के ऊपर से वर्कलोड को कम करना है और ज्यादा मार्क्स, मतलब छोटे छोटे टेस्ट से ज्यादा उनका इवैल्यूएशन करना और उनके मार्क्स को बढ़ाने के प्रयास रहते हैं. तो CCE इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों CCE करना है, इसके कुछ कॉजेज अपन ने देखे थे. इवैल्यूएशन जो करते हैं खाली आप एकेडमिक लर्निंग के ओनली मार्क्स से होते हैं, लेकिन CCE का मतलब होता है कि बच्चे की जो स्टूडेंट्स की बोलने की, लिखने की, इन सब चीजों की इवैल्यूएशन होती है. जो एबिलिटीज उसमें हैं या नहीं है उनको भी इवैल्यूएट किया जाता है और फिर उनको दूसरे तरीके से बढ़ावा देके करा जाता है. और इसमें पास और फेल का भी आपका जो क्राइटेरिया है वो समझ में आ जाता है और बच्चे को जो फ्रस्ट्रेशन या ह्यूमिलेशन होता है वो भी इसलिए CCE करते हैं कि मान लीजिए कि आपका 15 नंबर पे जो इवैल्यूएशन कराया जाता है फेल हो जाते हैं, तो आपको जो फ्रस्ट्रेशन होता है या और टीचर को जो समझ में आता है कि नहीं अभी इसी बच्चे के साथ और मेहनत करनी है, इसको और अच्छी तरीके से ऊपर ले जाना है, तो ये आपको एक सीढ़ी प्रथम मिल जाती है जहाँ पे कि आपका प्रयास होता है कि बच्चे को, स्टूडेंट को हम पढ़ाने के लिए मतलब पढ़ने के लिए उत्साहित करके और उसको आगे मतलब वो फेल ना हो पाए. इसमें जो तीनों वर्ड हैं इसको लेके अपन ने ये समझना चाहा है कि कंटिन्यूस, इसको मतलब मैं जोर देके कहना चाहूंगी कि कंटिन्यूस का मतलब जो कि निरंतरता,
इसमें जरा भी आप जुलाई से बैठते हैं कक्षा में, जुलाई से लेकर मान लीजिए नवंबर तक एक सिस्टम, मतलब यूनिट बात कर रही हूँ, क्योंकि आप जब कैलेंडर देखते हैं एकेडमिक, तो आपको जुलाई में 1 से 13 जुलाई तक या 12 जुलाई तक जीरो क्लास होती। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि जीरो क्लास के बाद जब बच्चा अपना नॉर्मल क्लास में पढ़ने के लिए आता है, तो कंटिन्यूस आपका जो इवैल्यूएशन है तो उसमें निरंतरता, वहां पे जो आपकी अटेंडेंस है, आपको कॉलेज आना ही है, ये नहीं कि आप बिना कॉलेज आए और आपका ये इवैल्यूएशन होगा, ये नहीं। तो इसलिए कंटिन्यूस वर्ड पे अपन जोर देना चाहेंगे, टीचर के द्वारा भी, स्टूडेंट के द्वारा भी। आप भी रोज क्लास में आएंगे, टीचर भी रोज क्लास में आ रहा है और आपको जो कुछ भी पढ़ा रहा है या आपकी जो भी प्रॉब्लम से उनको सॉल्व कर रहा है या दूर कर रहा है, तो ये आपका निरंतरता होती है, शुरुआत आपकी होती है, एक प्रक्रिया में आप रहते हो और आपको कॉलेज जाने पर एक उत्साह भी बना रहता है कि आज मैं ये वाला टॉपिक तो क्लियर करके ही लौटूंगा। और ये नहीं है अगर इसको करना है, ये करना है हमारे बच्चों को कि ये टीचर बोल रहा है कि फाइल बना लो या ये नोट्स कर लो तो आप कर रहे हैं, ये आपकी तरफ से है जो प्रयास कंटिन्यूस वाला। ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जो कि एकेडमिक कौशल को बढ़ाने के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आप अपने कौशल को इंक्रीज करते हो और को एकेडमिक में आप यहाँ पर भी कॉम्प्रिहेंसिव होते हो कि आपकी जो लाइफ स्किल्स है, एटीट्यूड है, को एकेडमिक में जैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या कुछ ऐसे भी होगा कि कुछ स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है कि उनका जो स्टेज फियर है वो, या बोलने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो आपको सीसी है वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके अपने एग्जाम में या आपके छोटे मोटे इंटरव्यू में बहुत फायदा देता है, क्योंकि आपको जो एक झिझक थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, आपको ये था कि नहीं नहीं वो फलाना जो है वो तो मैं तो उतना अच्छा नहीं बोल पाती हूँ या पाता हूँ, तो ये हिचक जो है आपकी धीरे धीरे, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, रोज ही हो रही है और आप इसमें एकेडमिकली हो रहे हो रिफाइंड, मतलब आपको ये नहीं है कि आप कोई और बातें कर रहे हो, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट एकेडमिक। आपका जो भी कोर्स है, कोई साइंस वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले हैं, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस में आपकी निरंतरता वृद्धि होती है। इसके साथ में लाइफ स्किल्स, मतलब आसपास की चीजें जैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, बोल एटीट्यूड है, बोलना उठना, को कैरिकुलर एक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, ये सब कुछ आपका ये उसमें होता रहता है। और उसके बाद अपन ये जो करते हैं उससे हमारे ओरल एग्जामिनेशन, मतलब जो मैं कह रही हूँ कि बोलने की क्षमता बढ़ती है, सीसी से ही बढ़ती है, बिकॉज यहाँ पर जैसा मैंने बोला कि अगर ये कुछ कॉलेज नहीं चेकअप, it is another thing, but don't keep yourself only on question answer method. आपके पास बहुत methods हैं जो सिर्फ CC के तहत है, आप evaluate हो जाओगे teacher के द्वारा, तो छोटे छोटे group बना के और आप पूरी class जो है 5 टुकड़ों में बढ़ गई, 10 टुकड़ों में बढ़ गई और एक ग्रुप में उन्होंने एक क्षेत्र ले लिया, एक स्पेसिफिक एरिया ले लिया एकेडमिक का, आपके कोर्स में से निकाल के ले लिया कि आज इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप जैसे कि केमिस्ट्री वाले हैं तो आपने बोला हम तो कार्बन के बारे में ही बात करेंगे, तो आपने ये ग्रुप और उसके बाद 5 लोगों के पास जितना भी ज्ञान था उन्होंने चर्चा करा, तो ये ओरल एग्जामिनेशन के लिए आपका आता है। और ओरल एग्जामिनेशन में जो ओरल क्वेश्चन होते हैं वो रिटन क्वेश्चन से डिफरेंट रहते हैं, तो ये भी चीज हमारे स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। मतलब यहाँ पर आज का लेक्चर बहुत ही जनरल सा है, इनफॉर्मल, लेकिन है कि आपको जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं वो ये देखें कि हम इस प्रणाली में कितना प्रयासरत रहते हैं, ये चीज आपको है कि आप ओरल पे कितना ध्यान दे रहे हो। आप बात करना इज नॉट अ ओरल, किसी भी चीज को एकेडमिकली परफॉर्म करना ओरल परफॉर्मेंस में आएगा, आप उसको रिटन कर रहे हो। जैसे कि इसका एग्जांपल ओरल का बेस्ट होता है, जैसे क्विज का, एक क्लासरूम में एक क्विज कर लिया, तो कई बार आप खुद देखिए कि हर बार 2-4 बच्चे ही उठ उठ के उसका जवाब दे रहे, जबकि पता सबको है। तो मेरा यहाँ कहना है कि ओरल मतलब कि हमको सबको बोलने की क्षमता होनी चाहिए और बोलने का प्रयास होना चाहिए। ओरल
और फिर हम उस एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने की भी वो रखें। तो जैसे कि आपका बहुत सारी जगह ओरल एग्जामिनेशन होता है, जिसको आप साक्षात्कार में बोलते हो कि भाई आज इंटरव्यू के लिए जाना है, आप सिर्फ ओरल टेस्ट ही देना है, और ये सारे जो एग्जामिनेशन है ये लार्ज ग्रुप में करना कठिन होते हैं। छोटे छोटे ग्रुप में स्टिमुलेट होते हैं, लेवल ऑफ नॉलेज आता है और स्टूडेंट का जो नॉलेज है वो सामने आता है, प्लस आपका जो प्रिपरेशन है वो हाई लेवल का होने लगता है। हायर एजुकेशन में जो एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी है वो आपकी हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ के जो एग्जामिनेशन की जो प्रणाली जो स्कीम बताई है उसके अंदर आपको किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, ये आप इस पे कभी आप विचार करे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू करें। आप जुलाई से बैठे हैं, जनवरी से बैठे हैं सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप देखिए कि सीसी के लिए कंटिन्यूस परफॉर्मेंस में आपको 15 में से कितने नंबर मिले जानने की कोशिश करिए, 10 में, और वो तो दिखाए भी जाते हैं बच्चों को, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 6 मिले, क्यों मिले। अच्छा, जब टीचर आपको गलती बताएगा तो नेचुरली आपके मेन एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि आपने अपनी गलती समझ ली है। और यदि आपको 10-12 भी मिले तो भी खुश तो हो, लेकिन आप उसको इम्प्रूव और करें अपने आप को और ऊपर ले जाने के लिए कि अच्छा मैं सीसी में अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं मेन में और अच्छा करूंगा। तो मेरा यहाँ पे कहना है कि हर स्टूडेंट को अपनी एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी बढ़ानी चाहिए, 5 डेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन प्लान ये करना बहुत आवश्यक है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्या है, ट्रूथ फॉल टेस्ट क्या है, मैचिंग टेस्ट क्या है, कंप्लीशन टेस्ट क्या है, और टेकिंग टेस्ट क्या है, कोटेशंस क्या है, ये पूरी चीजें हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस को आप लोग कि हमको देखने की जरूरत, जबकि यही वो है आपका जहाँ पे आप बहुत सारी चीजों, क्योंकि आप एक तरफ हायर एजुकेशन पर बैठे हो, दूसरी तरफ आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी जा रहे हो, तो आपका कोई भी प्रयास आज की डेट पे क्या हुआ बेकार जाने ही नहीं वाला है, क्योंकि आप यदि खाली समय में बैठ के कोई इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स या इस तरह की चीजें लेके बैठ जाते हो, पुराने क्वेश्चन पेपर्स लेके बैठ जाते हो, और आपको आता है तो फटाफट भरते हो, नहीं आता है तो ढूंढ के सही उत्तर देखते हो, तो ये आपका एक स्ट्रैटेजी के अंदर होना चाहिए कि मुझे एग्जाम देना है तो मैं इन सब कितने प्रकार के आते हैं, सही गलत पता ही नहीं है कि क्या लिखना है, ट्रू फॉल्स। आप लोग आधे बच्चे इसको एग्री करेंगे कि तुक्के से ये वाले पेपर्स करते हो, तो नहीं, आपको नॉलेज से करना है। तो दिस इज एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी। जैसा कि अपन पहला पॉइंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल है, सबसे पहले पढ़ो, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन विदाउट लुकिंग द आंसर। मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपका जो प्लानिंग है वो क्या है कि मल्टीपल चॉइस है, एक आपको ऑप्शन दिया है और सॉरी एक क्वेश्चन दिया है, उसमें 4 ऑप्शन दिए, तो आप उसमें से सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करो, बजाय कि आप 2 मिनट में आंसर पे शीट पे चले जाओ, इसका उत्तर क्या है ये मैं पहले देख लूं, कभी नहीं, ऑलवेज ट्राई टू। और आजकल मैं आपको एक बात बताऊं, आप जरा सा भी नेट पे डालोगे तो इतने मल्टीपल चॉइस आपको मिलते हैं, और आप उनको एक एक पैटर्न में 20-20 या 15-20 रहते हैं, आप फटाफट उनको सॉल्व करो और फिर देखो कि एक बार में आप कितने सही करते हो कितने। मान लीजिए एक बच्चे ने शुरू किया और उसके 5 सही हैं और बाकी 15 गलत है, तो आपको क्या समझ में आएगा इस स्ट्रेटेजी से कि अभी आपको पढ़ाई और करनी। और यदि दूसरा बच्चा है जिसके 15 सही और 5 गलत है, तो उसको ही देखना चाहिए कि 5 गलत क्यों है, इसमें कहां उसकी नॉलेज नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बिना आंसर देखे आप मल्टीपल चॉइस करिए, और प्रत्येक जो आंसर है ऑप्शन का उसको आप राइट और रॉन्ग जब करते हो तो उसको सोच समझ के करो, और एट अ टाइम आप अगर आपको नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि आप या तो धोखेबाजी से कर रहे हो या बिना सोचे समझे कर रहे हो, आपको उसका लॉजिक लेना पड़ेगा कि इन 4 में से सही उत्तर क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा है और कॉन्फिडेंट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
गैस मार के नहीं करना है, गैस मार के बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि ये जो मल्टीपल चॉइस अपन ने बात की है उस पे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए थ्रो करा हुआ है, आप देखो इसको हम लोग अम्ब्रेला क्वेश्चन बोलते हैं या इसको फ्यूजन क्वेश्चन भी बोलते हैं। अब ध्यान से पढ़िए स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कार, इनमें से कार का कौन सा पार्ट है, मतलब इनमें से, मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से कार का कौन सा पार्ट है, ठीक है। अब ऑयल फिल्टर, इंजन, कार्बोरेटर एंड एयर फिल्टर। अब आप लोग लिख भी लो इसको और देख लो कि आप कौन सी जवाब दे रहे हो। पांच एक सेकंड के लिए आप इसको लिखो अपनी कॉपी पे और आप जवाब दे लो जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ कार, ऑयल फिल्टर, इंजन, कार्बोरेटर एंड एयर फिल्टर। कोई बताएगा मुझे सही जवाब इसका, माइक लेके कोई बताएगा, क्योंकि अपन को मल्टीपल चॉइस को समझना है। मैं ये चाह रही हूँ कि आपको मल्टीपल चॉइस में, क्योंकि देखिए बच्चों आपका चाहे 85 नंबर का वाला पोर्शन हो उसमें भी मल्टीपल आते हैं, 10 नंबर के इधर पे भी रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 10 नंबर आपके पॉकेट में जो है क्यों लूज करना, 10 में से 10 क्यों नहीं मिलना। हम लोग कॉपियां हंसते हैं, बहुत अफसोस होता है कि पूरे गलत होते हैं तो 2 नंबर, कभी 4 नंबर, बहुत पूरी इतनी कॉपियों में सिर्फ 3-4 बच्चों को 10 में से 10 मिलते हैं। इसीलिए मैंने ये पॉइंट रखा हुआ है कि प्लीज, हाँ जवाब देंगे प्लीज, आप प्लीज दीजिए। अमर पाटन में बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है आप लोग की, मैं ताड़ भी करती हूँ। हाँ बताइए सही उत्तर क्या है, माइक पास में रख के ऑन करो, आवाज नहीं आ रही। इंजन। हाँ अब आ रही है, सही उत्तर क्या है, इंजन होगा, इंजन, हाँ इंजन होगा, नंबर इंजन, बस बोलो सही उत्तर क्या होगा, इंजन, इंजन क्यों, ऑप्शन बी इंजन, बी इंजन, लेकिन क्यों, अब आपने जवाब दे दिया, अब हमारे स्टूडेंट को ये सोचना है क्यों, इंजन के बिना संभव नहीं है गाड़ी चलाना, नहीं देखिए स्क्रीन पे नाउ इस तरह से आपको लॉजिकल देखना, सही उत्तर इंजन है, ठीक है, लेकिन क्यों, दिस यहाँ पे देखिए ये चॉइस में से आपको गुड आंसर निकालना है। फ्यूजन अम्ब्रेला क्वेश्चन में ये होता है कि थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है, कोई दूसरा बच्चा हो सकता है ज्यादा दिमाग ना लगा के उत्तर दे तो वो कोई भी इसमें से कर सकता है, लेकिन कार्बोरेटर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर ये सब इंजन के पार्ट है, तो इंजन करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि कार का वो प्रमुख पार्ट है। तो आप देखिए कि सारे कार के पार्ट्स थे लेकिन उसमें से सही उत्तर आपने निकाला, तो दिस इज नोन एज अम्ब्रेला क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस पे बहुत ध्यान से आपको देखना है। फिर डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर जो रहता है आपका इस तरह से रहता है, उसको भी देख लो, अभी से देख लो, पुराने साल के क्वेश्चंस ले लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मैच द आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस। अब हमारे हायर एजुकेशन के एग्जाम में डिजाइन जो क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग है वो क्या होती है, 3 होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके अंदर ये कोई भी आ सकते हैं आपके, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, मैच द आंसर, मल्टीपल चॉइस, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। अब आप देखिए कि आप पहले पढ़िए कि आपको ऊपर क्या लिखा है, वो लिखेंगे मैच द आंसर, तो आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा क्या से मैच कर रहा है, आपको करनी है, फिल इन द ब्लैंक है तो ब्लैंक में सही उत्तर डालना है, और कई के आंसर मल्टीपल चॉइस में आंसर सामने है, इनमें सामने नहीं है, तो आपका जो दिमाग है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहाँ से आएगा नॉलेज, जो आपकी पढ़ाई करी हुई है, जो आप मेमोराइज है आपको, तब उसी से मिलेगा। तो ये देखिए आप शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप मतलब लघु उत्तर के लिए क्या देखना जरूरी है, 5 नंबर का है या 3 नंबर का है, तो लघु उत्तर में या ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का है
हमारे बच्चों को प्लीज आप नंबर देखिए प्लस क्वेश्चन का प्रकार देखिए। अगर ये पूछा जा रहा है डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस या डिफाइन समथिंग एल्स, तो शब्द सामने डिफाइन है तो मतलब ये है कि आपको उसकी कहानी नहीं लिखनी है, आपको ये बारे में डेफिनेशन लिख के समझाना है। यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में, शायद आपके भी हो, हमारे बच्चों को दिमाग में रहता है, वो प्रश्न पूछते हैं मैडम कितने पेज का आंसर हम लिख दें। देखो बेटा, पेज इज नॉट द लॉजिक, आंसर की लॉजिक रेलिवेंस पे है कि आप उसका जवाब क्या दे रहे हो। आपके मन में प्रश्न भी आता होगा कि मैंने तो बहुत लिखा लेकिन मुझे तो इतने कम मार्क्स मिले। आपको ये बता दूं कि शॉर्ट आंसर टाइप में आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हमारे हायर एजुकेशन के बच्चे जो जगह जगह पे हैं, सारे 5 यूनिट को पढ़ लेते हैं और फिर कोई भी क्वेश्चन आए बस वो यूनिट का एक शब्द उस क्वेश्चन में अगर दिख गया तो वो पूरी कहानी लिख डालते हैं, चाहे फिर वो कुछ भी हो। तो दैट इज द रॉन्ग पैटर्न। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसमें व्हाट, व्हाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, ऐसे क्या, शॉर्ट नोट्स, ये तो क्वेश्चन के फॉर्मेशन होते हैं ना जो मैं आपको बोल रही हूँ, डिजाइनिंग ऑफ द क्वेश्चन। आज ही जाके एक क्वेश्चन पेपर उठा के देखो कि किस तरीके से एग्जामिनर उसको डिजाइन करता है, आपसे पूछ क्या रहा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन में वो बोल रहा है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ किडनी, तो फिर आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, उसको बना के बता देना है कि इतना इतना इसका ये है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नीट डायग्राम, साफ सुथरी पेंसिल, कलर करना है तो कलर करो, कुछ बताना है कि क्या पार्ट्स की लेबलिंग करना है तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एक आता है शॉर्ट आंसर में, कभी कभी सूची बना दीजिए कोई चीज की सूची, तो फिर आपको क्या करना है, आपको वो जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आपको वो करना है। आपको क्यों डर लग रहा है कि अगर हम सूची बना दें तो हम मार्क्स नहीं मिलेंगे, उल्टा डर लग रहा है ना आपको मार्क्स मिले ही नहीं क्योंकि आपने सूची की जगह कुछ और लिखते चले गए। लॉन्ग आंसर टाइप में आप देखिए कि 10 नंबर के क्वेश्चन में जो सब थीम है वो आपको बनानी रहती है कि भाई अंदर उसके क्या क्या बताना है। मान लो कि उन्होंने कोई एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भेजा है, उसके अंदर आपको फंक्शंस भी बताने हैं, सोर्सेज भी बताना है, उसके अंदर के सब हेडिंग्स आपको पता है, तो दैट इज द लॉन्ग आंसर कि आपने जो डिमांड की गई है क्वेश्चन की उसको पूरे अच्छे से समझ के किया है। तो हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन जो आपको आज मैं बता रही हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आपको ये तीन जो है, जो आपको अभी आने ही वाला है क्वेश्चंस, आपको जो भी डेट आपकी एग्जामिनेशन की आएगी, तो आप ये तैयार। पुराने क्वेश्चन पेपर, बहुत पुराने नहीं, 2-3 साल पुराने को एक दो बार करो, देख लो कि इसमें कितने मुझसे बनते हैं। एक पेपर उठाया आपने, बोला मेरे को तो ऑब्जेक्टिव बना ही नहीं, तो देन ऑब्जेक्टिव तो आपकी रीडिंग, आपकी पूरी पढ़ाई क्लासरूम टीचिंग से ही निकल के आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इनके नंबर देख के, इनके जो फॉर्मुलेशन क्वेश्चन का उसको देख के आप उसको लिखना समझो। तो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में जो आपने समझा, अब आपका आ रहा है कि जो आपने पढ़ाई करी है उसको आप किस तरीके से, आपको सारा ध्यान राइटिंग में लगाना है, आपकी स्पीड बढ़ाना है और आपका एग्जामिनेशन का जो रहता है कि आपने लर्निंग रीडिंग से करी, पढ़ाई करना का मतलब ही है कि आप पढ़ने बैठे, मतलब रीड कर रहे, रट, कोई बैठ के रटता है, कोई बैठ के पढ़ता है, तो दैट इज द थिंग, लर्निंग फ्रॉम रीडिंग, लर्निंग। एक बच्चा रोज क्लास आ रहा है और एक बच्चा कभी कभी बीच बीच में एब्सेंट रहता है, तो जिस दिन वो एब्सेंट रहता है उस दिन का लेक्चर उसका मिसिंग है और उसकी लर्निंग भी मिस है, वो एक उतार गड्ढे में गिरी जाता है कि ये पता नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, अब टीचर भी दोबारा नहीं पढ़ा रहा। तो ये जो चीजें हैं ये आप राइटिंग, लर्निंग फ्रॉम सेमिनार,
और मतलब जो संगोष्ठियां होती हैं आप ऐसे ही बैठ के सुनते हो, बहुत सारे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं आप सुनते हो, वहां पे लर्न का मतलब मेरा है कि आप कुछ सीखते हो लिखने के तरीके, बोलने के तरीके, प्रिपेयरिंग ऑफ स्टडी चार्ट, ये जो मैं अभी डायग्राम वगैरह बोल रही थी ना, वो आपको बनाते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम के दिन ही बनाना है, आपका जितना बनाते रहोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट और जो कुछ भी आपका देख के करना है, और हमेशा उसको पेंसिल से ही बनाना है, पेन से डायरेक्ट बना, कई मैंने आप जो डायरेक्ट स्केच पेन से बना लेते इतने गंदे बनते हैं फिर वो कि नंबर जीरो ही मिलता है। प्रिपेयरिंग ऑफ टाइम टेबल, अब ये जो है कि एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हर बच्चे को टाइम टेबल अपना डेली और वीकली बना लेना चाहिए। इसका मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो टाइम टेबल में, टाइम टेबल के हिसाब से आपकी पढ़ाई के लिए सेट कर लीजिए कि इतना 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 समय इस पेपर के लिए करना है। ऐसा आप लोग नहीं करते हो, आप लोग सीधे एग्जाम के दो दिन पहले पढ़ते हो उस पेपर को और आ जाते हो देने, इसीलिए आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते। आप लिख के रख लो कि यदि आज जितने बच्चे बैठे हैं मेरे सामने जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर उनमें वो लेक्चर मेरा सुन रहे हैं और उसमें से वो 10% भी करेंगे तो आपको अगले बार बोलोगे हाँ मैडम मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि हमारे लिए नहीं कर रहे हो आप, जो कुछ भी कर रहे हो अपने लिए ही करोगे। तो प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन आपके हाथ में, क्या टाइम टेबल है कि संडे को मैं कठिन पेपर पढ़ूंगा ज्यादा टाइम में, तो आपके टाइम टेबल में डेली टाइम टेबल में कितने एक घंटा पढ़ रहा हूँ मैं, कोई 24 घंटे पढ़ना हम एज अ टीचर बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे। आप लाइफ की हर चीज एंजॉय करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे खाएंगे पिएंगे पिक्चर देखे सब करें, बट जो पढ़ने की डेप्थ है और जो प्रिपरेशन है जिसके लिए हम पिक्चर दे रहे वो बिल्कुल नियमबद्ध सीरियस टाइमली होना चाहिए। कोई बेटाइम कोई भी चीज करोगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। और यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन पे डाला नहीं लेकिन मैं बताऊंगी कि हमेशा ध्यान रखो आपका जो भी व्यवस्था है घर पे, चाहे नीचे बैठ के पढ़ रहे हो टेबल पे पढ़े, बट एक कोना पढ़ाई का आपका निश्चित होना चाहिए। एवरी टाइम यू शुड गो देयर, वहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे एक कोई स्थल को आप जागृत कर ले वैसे ही यहाँ पर पढ़ाई का वो स्थल है जहाँ पे जाके आपको ज्यादा मेमोराइज है और आपकी किताबें रखी रहती हैं और आपको एक एकाग्रता में मन लगता है, वो डिसिप्लिन के अंदर आता है और वो जरूरी है कि वो आपको करना ही है। और ये जो क्लासरूम में नोट्स टेकिंग है ये आपके प्रिपरेशन में बहुत, क्योंकि जितना आप नोट्स लोगे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस उतनी बढ़िया बनेगी। और यहाँ पे मैं इस नोट टेकिंग में आपको ये अलर्ट करना चाह रही हूँ कि आपका लिखा हुआ आपका समझा हुआ जब आप एग्जामिनेशन में पढ़ते हो करते हो तो वो आपको मेमोराइज होता है और आपका इफेक्टिवनेस और बढ़ता है। तो नोट टेकिंग के बाद जो राइटिंग के लिए मैं टिप्स देना चाह रही हूँ कि आप जब एग्जामिनेशन में करो तो आप थोड़ी मार्जिन को हाइलाइटर्स रखो, क्या चीज आपको हाईलाइट करनी है, बुलेट डालो। नोट्स टेक जब हम करते हैं तो हम किसी भी चीज को देख के लिखते हैं, मैडम बोर्ड पे लिख रही है उसको देख के लिखते हैं, तो उससे कुछ लर्निंग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आप जब इंडिविजुअल एज अ स्टूडेंट होते हो तो आपका वो जो कॉपी है वह आपकी अच्छी राइटिंग के कारण ही ऊपर जाती है। एक बच्चा बहुत लिखा है लेकिन बहुत ही उसका ये पूरा रिफॉर्म नहीं है तो उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, दूसरे ने ये सारी चीजें फॉलो करते हुए इन डेप्थ नॉलेज से एग्जामिनेशन क्या है उसको, क्योंकि आप ये चीज बता रहे हो एग्जामिनर को कि ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बुलेट कर रहा हूँ, ये नंबरिंग कर रहा हूँ, है ना। तो कीवर्ड्स बना रहे हैं, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि पूरे इसमें से मान लीजिए आप जो भी आपने बात कही है तो नीचे आपने कीवर्ड्स कर दिए तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हो तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि ये बच्चा मतलब इसको नॉलेज है जिसको वो पूरा का पूरा अपने आइडिया से बताना चाह रहा है। और आपका जो बहुत ज्यादा कई कोर्स ऐसे हैवी तो आप उनको फ्लैश कार्ड वगैरह से भी पढ़ सकते हो, मतलब फ्लैश कार्ड सिलेक्टिव होना चाहिए आपको। और नोट्स तो हमेशा तैयार, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीधे बस किताब से पढ़ के चले जाते हो
तो उनका फिर परफॉर्मेंस भी उतना ही पुअर रहता है। जो बच्चा लर्निंग रीडिंग जो भी मैंने आपको बताया है उसके गुजरते हुए लास्ट में नोट्स बनाता है, चार किताबें दे बनाता है, अपने हाथ से लिखता है, तो नेचुरली मेमोराइज भी हो जाता है और उसको ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस होती है। लर्निंग फ्रॉम लेक्चर वो तो आपको मैंने बताया है, फिर से रिपीट थोड़ा सा ऐसा डिटेल में कर रहे हैं कि जैसे सिलेबस जो आपका होता है वो सिलेबस के हिसाब से ही आपकी लर्निंग लेक्चर्स के द्वारा होना चाहिए। आउट ऑफ सिलेबस जैसे आप लोग कहते हो कि हमारा आउट ऑफ कोर्स आ गया, ऐसा नहीं। आपको अपना कोर्स क्या है, कंटेंट क्या है, ये रीडिंग के पहले पता होना चाहिए और पता होना चाहिए। और उसी का मैं बोल रही हूँ कि नोट्स फिर लेके आप अपना रिव्यू करो, हाईलाइट लगाओ, सेमिनार में पार्टिसिपेट करो। ये जो स्टडी स्ट्रेटजी जिसमें सक्सेस के लिए मैं बात करना चाह रही हूँ, आपकी स्टडी स्ट्रेटजी जो एग्जामिनेशन की है उसको मैं कहना चाह रही हूँ कि हर बच्चा जब भी पढ़ाई कर रहा है 40% भी है, 50% भी है, 60% है, 70 वाला हर कैटेगरी के बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चे को जब स्टडी स्ट्रेटजी बनाए तो हमेशा अपने लक्ष्य को ऊपर रखें, सक्सेस की तरफ देखें। भाई मुझे ये 40 से 45 पे आना है, 50 से 55 पे आना, मतलब हमेशा प्रमोशन देखना है कि आप उन्नति करो। ये इसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, कोई भी पढ़ाई में आप आपकी लगन आपकी मेहनत इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो स्ट्रिंग है अपने आपका एग्जामिनेशन के साथ सक्सेस सक्सेस अचीवमेंट की तरफ होगा कि आपकी जो उन्नति होगी। आप सारी इंफॉर्मेशन अपने प्रोफेसर से ले रहे हो, एग्जामिनेशन के पहले आप रिव्यू कर रहे हो, आप बोलते हो कि मुझे मैडम आप टाइम दीजिए, तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं दे। आप घर में बैठे हो, 10 मिनट आके आप उनसे अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर लो, जहां आप अटक रहे हो उसको क्लियर कर लो, कोई क्वेश्चन समझ लो, ऑल दीज थिंग्स। लास्ट डे तक भी आप क्लास और सेमिनार्स अटेंड करते रहो, वो आपको फायदा ही करेगा। कई बच्चे 15 दिन पहले बैठ जाते कि नहीं नहीं अब तो हमको बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, एग्जाम है, आपकी चॉइस है। लेकिन जहां तक मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको निरंतरता में अगर अपने प्रोफेसर की टच में रहे, एग्जामिनेशन के लिए लास्ट डे तक इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। अपना पूरा कोर्स मटेरियल आप ऑर्गेनाइज करिए और उसी तरह से कि पहले क्या और दूसरे क्या और तीसरे क्या स्टडी मटेरियल को आपको करें। टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए और उन टॉपिक्स पे आपको क्या है और क्या कनेक्शंस हैं वो सब, मतलब यहाँ पर मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि आपका जो टॉपिक है उसके अंदर आप कितने एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हो, ये सब आप पहले से ही कर लो। ये नहीं कि एग्जामिनेशन रूम में या हॉल में ही हम करेंगे, हमको जो भी अपना समझ गए हैं हम फैक्ट को टॉपिक से रिलेटेड, उसके कुछ उदाहरण ही हम अपने बना लें तो हमको वो लिखने में आसानी होगी। स्टडी शेड्यूल आपने क्रिएट करना ही है और आपको अपने अकेले के साथ ही करना है, अपने साथ आपको ऑनेस्ट रहना है, रियलिस्टिक उसमें। ये नहीं कि मैंने बोल दिया है तो आप उसको ऐसे फेक में घर में ले जाके बोल रहे हो, इट इज अप टू यू, आपको करना है। हो सकता है इसमें से आधे बच्चे बोले अरे मैडम ने तो बता दिया, छोड़ो क्या करना है, अपन तो वैसे ही करेंगे जैसा अपन करते, इट इज अप टू यू। अपनी ईमानदारी पढ़ाई के प्रति अपने साथ, कई बच्चे पेरेंट्स को लगता है पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो कुछ और ही कर रहे हैं, तो वो ऑनेस्ट नहीं है। ये चीज आपकी अपनी बिल्डअप होती है, तो आप अपने साथ में अन्याय ना करते हुए अपने को रेस्ट भी देना है, अपने आप को फटीग भी बचाना है, अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से भी बचाना है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बहुत खुश हो जाएगा कि वो फेल हो रहा है या 40% आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हर बच्चे को दुख लगेगा, तो इसीलिए उस दुख से हटने के लिए आपको अपने आप को शेड्यूल में डालना ही पड़ेगा। और आपको जो गाइड है, मतलब स्टडी गाइड आपको तैयार करनी पड़ेगी। स्टडी गाइड से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए कि आपके जो नोट्स हैं या आपकी जो किताबें हैं, मतलब ये आप देख लीजिए पूरे सेमेस्टर के दौरान कि आप कोई आउटडेटेड किताब से तो नहीं पढ़ रहे हैं, जो किताब का है कि नहीं, और उसकी डेट्स वगैरह, फैक्ट्स वगैरह, ये सब कुछ, मतलब आपकी रीडिंग
ऐसा ना हो कि आपने पढ़ाई तो करी है, रीडिंग तो करी है, लेकिन वो गलत साबित हो, तो ये पहले ही इसकी गाइड के रूप में तैयार हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। और आपके जो जो नोट्स तैयार होंगे उसमें आप जो डिटेल्स करोगे की टर्म्स, डेफिनेशन, कई बार डेफिनेशन भी बदल जाती है, आप पुरानी डेफिनेशन दे रहे हो। अभी मैं एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसमें किसी स्टूडेंट ने गलत डेफिनेशन कर दी, तो उसकी वो पूरी जब वाइवा हुआ तो वो डेफिनेशन को गलत करा और उसको सही बताई गई और फिर उसको याद कराई गई। तो मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि आप ये भी देखिए कि क्या चीजें आपकी रीडिंग में बदल रही, इसीलिए वो गाइड जो है, गाइड का मतलब एक कोई मार्गदर्शिका अवेलेबल है या आपके टीचर आपको बता रहे हैं या आपके सीनियर्स आपको बता रहे हैं, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो आपको अपने साथ में रखना है। अपनी एक्टिविटीज को आपको प्रमोट करना है, जो भी एक्टिविटीज का यहाँ क्या मतलब है, खेलकूद की कोई एक्टिविटी नहीं, अपन जो एकेडमिक की बात कर रहे हैं, अपन पढ़ाई की बात कर रहे हैं, अपन परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या एक्टिविटीज हो जाएंगी आपकी, अब आपकी वही जो मैंने अभी पहले एक्टिविटी बोली कि आप सबसे पहले लाइब्रेरी जाइए, क्वेश्चन पेपर लाइए, पहली एक्टिविटी हो गई। प्रमोट कैसे करोगे कि आप उसमें से दो चार क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो टू इंक्रीज योर एक्टिविटी, जो भी है आपका टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा और आपको कोई कॉन्फ्रेंस की मौका मिल रहा है आप वो अटेंड करिए, डिस्प्ले करिए, खुद पार्टिसिपेट करिए, मतलब उससे आपका एक्टिविटी प्रमोट होगी और एकेडमिकली आप स्ट्रांग होगी। एक्टिविटीज थ्रू अंडरस्टैंडिंग, मतलब कई बार ये भी होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज कार्य प्रणाली हमको करनी है जिससे कि हमारी समझ क्लियर हो, है ना, जैसे कि आप ये भागीदारी में जा रही हूँ या जा रहा हूँ जहाँ पे कि ये परिचर्चा होती है, अब उस परिचर्चा में आपने भागीदारी की और अगर आपने कोई गलत बात भी बोली तो आपको सुधारा जाएगा, तो वो एक्टिविटी होगी, आप उसमें परफॉर्म भी कर रहे हो और आप उसमें अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, तो आपका टॉपिक क्लियर होता जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये एक्टिविटी में जो मैं आपको कॉन्फ्रेंस में सेमिनार में जाने बोल रही हूँ नहीं जा पा रहे हैं, तो एक्टिविटी घर के अंदर भी हो सकती है कि आपसे कोई भी छोटा हो, आपका 10 साल छोटा भाई हो, मैंने एक एग्जाम्पल डाला हुआ है इसमें, आप उसको ही ऐसा समझाइए जैसे कि मतलब यू आर एक्सप्लेनिंग, बिकॉज वो आपकी एक्टिविटी है, आप उसको समझा रहे हैं, उसका तो ज्ञान दे रहा है, आपकी एक्टिविटी में आपका वो रिवीजन होके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है, क्योंकि वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा जिनको आप एज अ एल्डर ब्रदर या सिस्टर जवाब, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको पॉइंट समझ में आया, ये जो 2 स्लाइड मेरी एक्टिविटी की थी इसमें मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे बच्चों को जितना भी एकेडमिकली आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको आपको अपने पॉकेट में नहीं रखना है, निकालना है, सोसाइटी में निकालना है, कॉलेज में निकालना है, आपको अपनी कहीं पर ऐसा मौका मिल रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप आधे घंटे आके इस टॉपिक पर बोलो, बिल्कुल मौका छोड़ो, आप उसको करो, क्योंकि आपको वो एक्टिविटी करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। कॉलेज में करना है कॉलेज में करो, घर में करना है, दैट वे यू विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। मेमोराइजिंग टेक्निक, मतलब अपने याददाश्त को बनाने के लिए बार बार लिखना, कोई भी टेक्स्ट को बार बार लिखना, एक ही चीज को रीराइट जब करते हैं, रीकॉपी करते हैं, फ्लैश कार्ड में विजुअल करना, बार बार चित्रों के माध्यम से देखना, चार्ट के माध्यम से देखना, ज्यादा आपके मेमोरी में वो चीजें चली जाती हैं, है ना। तो जैसे कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी लेकिन आपने उसका पिक्टोरियल देखा, चार्ट्स देखे और उसका फ्लो डायग्राम देखा, तो उसको चार्ट पोस्टर से जो स्टडीज होती है वो ज्यादा, क्योंकि जो हमारे हायर एजुकेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कॉलेज में नहीं भी हो तो आपको लगवाना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे क्लासरूम्स में कुछ टीचिंग मटेरियल होते हैं, टीचिंग एड होते हैं जो लगाए जाते हैं, तो ये टीचिंग एड जो है ये हमारे बच्चों की मेमोरी को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप उसको देखते हो और देख के जो आपके जहन में, और वो पिक्टोरियल कलरफुल होते हैं, आप कहाँ पे डेंजर जोन है तो रेड से होते हैं, कहाँ पे वो स्मूद है ग्रीन से होते हैं, ब्लू से, ये सब सिंबॉलिक इंडेक्सिंग, ये बहुत ही काम की पढ़ाई होती है। तो ये आप इन पे भी देखो, मतलब खाली किताबी उसमें मत जाओ, प्रिपेयर
ऐसे काम है, आप अदर टेक्निक्स भी देखो, अदर टेक्निक्स भी देखो क्या है। आजकल इसमें जो डिवाइजर की बात मैं कर रही हूँ, आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइस भी आ गए हैं, जैसे सीडीज, एजुकेटिव सीडी आ गई हैं और स्क्रीन पे भी आ गए हैं, और यूजीसी के द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम कॉलेज टीचिंग, आप इन टेक्निक्स पे भी जाओगे, आप सुनोगे वो जो जो भी टीचर ने वो सीडी बनाई है उस पे, आपको क्लासरूम टीचिंग, कॉलेज जाने से, अपने से पढ़ने से क्लियर नहीं हो रहा था तो आपने डिवाइस ले लिया, और आजकल तो टेस्ट वैसे ही सारे मिलने लगे सब्जेक्ट वाइज, आप वो एक सीडी लेके सुनने लगे। गाना सुनते हो वो ना सुन के एजुकेटिव, उसके अलावा स्क्रीन पे भी आपको है अवेलेबल वही चीजें, आपको ऑडियो पे है तो वही चीजें आपको विजुअल पे भी है। तो आपको ये मेमोराइजेशन टेक्निक में ऑडियो विजुअल एड और देखने के तरीकों से भी लर्निंग आपकी इंक्रीज होती है। लास्ट में कुछ चीजें थोड़ी सी बची हैं, आपको सबको पता है लेकिन रिवाइज करना है कि टेक केयर ऑफ द बेसिक। एग्जामिनेशन की तैयारी में हमारी बेसिक चीजें हमारे साथ में होना चाहिए, एक्स्ट्रा पेन, पेंसिल, स्केच पेन, कैलकुलेटर, सारी चीजें। कोई नोट्स और बुक्स लाने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, आपको ये अपनी तैयारी रखनी है। कोई आपको डायग्राम बनाना, तो कोई प्रकार रखना है, तो बेसिक। ज्यादातर कई बार मैं देखते कि बच्चों के पास शार्पनर ही नहीं है, रबड़ ही नहीं है, तो ये उसकी 10 दिन पहले ही तैयारी आपकी 5 दिन पहले ही हो जानी चाहिए, और आपको कम्फर्ट है और आपको उसकी प्रैक्टिस है कि मेरे को कुछ भी ऐसा आएगा तो मैं फटाफट कर लूंगी। क्योंकि ये आप लोग सब बहुत बड़े बड़े हो, लेकिन उसके बावजूद भी एज ए टीचर मैं आपको बोल रही हूँ कि बच्चों को अंडरलाइन कराना पड़ता है। देखो ये वाला बेटा इम्पोर्टेंट है, ऐसे स्केच पेन से कर लो या हाइलाइटर लगा लो, तो दिस इज थिंग विच विल गिव यू मोर मार्क्स। तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देखिए, तो अपने बेसिक्स जो है आपके आपके साथ में होना चाहिए, और आपकी जो एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी में आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर हाथ में आने पर टेक टाइम 5 मिनट और 10 मिनट मैक्सिमम पूरा टाइम ले लो पढ़ने के लिए। केयरफुली रीड द क्वेश्चन पेपर और देखो हाउ मेनी क्वेश्चंस आपके हैं जो आपको आते हैं, क्योंकि चॉइस आपको दी जाती है, उसमें से आप बहुत अच्छे से पढ़ के बगल अगल में देखने की जरूरत नहीं है, अपना देखो और उस पे डॉट लगा लो कि, और ये भी देख लो कि मैं अपने ये 3 घंटे में ये इतने क्वेश्चन जो मुझे आ रहे थे इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन टर्म्स हैं इनको मैं, और इजी क्वेश्चन को हम पहले कर आंसर द इजीएस्ट फर्स्ट एंड ट्राई टू लीव योर टाइम जो कि डबल चेक करने के लिए। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि शुरू के 5 मिनट और आखिरी के 5 मिनट अपने लिए बचा के रखिए। शुरू के 5 मिनट क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद बीच का टाइम फटाफट जो आता है उसको फटाफट जल्दी कर लो, और जो सोच लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आराम से करो, आखिरी में 5 बचा के उस पे रीच। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग को इंसुलेटर को आपके क्वेश्चन पेपर वो छीनने पड़ते हैं, जल्दी दो जल्दी दो, आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप पीछे पलटा के देख। आपकी तैयारी अच्छे से होगी ना और इस स्ट्रेटजी में, तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने आंसर को वही बात जो मैंने कही है अच्छे से प्लान कर लो और फिर लिखना शुरू करो। स्मार्टली प्लान करने का मतलब यहाँ पे है आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो हायर एजुकेशन का एग्जाम है उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा आपका दिमाग जो है वो किस तरीके से रिलैक्स कर रहा है, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपकी जो प्लानिंग है वो आप पार्ट में आइडिया रहा है, और 3 घंटे आप उस पेपर के अंदर डूबे हुए क्योंकि आपने पूरा पढ़े। ऐसा आप देखिए प्लीज मुझसे बोलिएगा अभी क्या आप करते, क्योंकि कई बच्चे शुरू जाते हैं पहले से
आखिरी का छूट गया, यू शुड रीड ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि आपका दिमाग चलता रहता है निरंतरता में। आपको लगेगा कि इसको करने के बाद वो मैं कर लूंगा, मुझे वो याद आ रहा है, वो कर लूंगा, कर लूंगी, ऐसे करके। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड और कैलकुलेशन ऑफ टाइम, ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे में आपका ये जो हायर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे हायर एजुकेशन की टेक्निक में अगर आप ऐसे खड़े उतर गए तो कॉम्पिटिशन में आप और बढ़ जाओगे आगे, ये मेरा कहना है। कलर योर बुक्स में मैं कहना चाहती हूँ कि बताया था उसमें जरूरी है कि आप थोड़ा सा हाइलाइटर और इस तरह से, क्योंकि अगर किसी किताब को बिल्कुल नया का नया रख रहे हो आप जैसी दिखती है, लेकिन एक ट्रिकी वे होता है कि हम कोई कलर रेड ब्लू ग्रीन जो भी लगाते हैं वो इसलिए कि आखिरी दिन जब हम रिवीजन करते हैं तो वो आपको जल्दी जल्दी दिख जाते हैं कि अच्छा ये पॉइंट्स हमें याद रखने के लिए हैं। पढ़ाई तो आपने कर ली है, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, आपकी किताब का थोड़ा सा रंगीन होना, लेकिन यहाँ पर मैंने ये भी हाईलाइट करा है कि लाइब्रेरी की किताबों को कलर नहीं करना है, आपको स्वयं की किताब अगर खरीदनी है तो उसी को कलर करना है, लाइब्रेरी को नहीं करना है। एक आपके एग्जामिनेशन टेक्निक के लिए जो मैंने OKR मेथड बताना चाह रही हूँ वो आप लोग नोट कर ले। OKR मेथड का मतलब है कि ओ और के, ओके फोर आर, ओके फोर आर का मतलब है कि ओ इज फॉर ओवरव्यू, आप पूरा का पूरा जो है एग्जामिनेशन की जो भी पढ़ाई करी है उसको ओवरव्यू करो, एक झलक आपके उसमें आपकी जो रीडिंग की है कि इस टॉपिक का ये सब हेडिंग, ये पैराग्राफ, ये तो ओवरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। की आइडियाज, के फॉर की, आपके जो की आइडिया है, की आइडिया का मतलब कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या कुछ बुलेट करना है, क्या कोई पिक्चर है, क्या टेबल करना है, डायग्राम करना है, तो ये आपके की आइडिया होते हैं। कि जरूरी नहीं है कि आप ऐसा लिखते चले जाओ, आप देखिए बहुत सारे आपके बिहेवियरल साइंस में भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि आप कोई चक्र बनाना है, आपको उसको कनेक्ट करना है, तो ये आपके की आइडियाज रहते हैं जो आप थ्रो करते हो एग्जामिनर के लिए कि आई नो दिस मच एंड आई कैन राइट एंड आई कैन एक्सप्लेन। तो ये OKR मेथड में ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4R में देखिए कि हम रीडिंग करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और रिवीजन करते हैं, ये 4R हो गए। तो रीडिंग आप यदि हमारे बच्चे रीडिंग प्रॉपर है शुरू से लेकर आखिरी तक चैप्टर वाइज तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जामिनेशन में लिखने की। रिकॉल करना, अगर आपने रीड करी है तो उसको रिकॉल करना, रिकॉल करना कल मुझसे कोई पूछेगा कि कल आपने दोपहर में क्या खाना खाया था तो मैं बता दूंगी मैंने ये खाया था, तो दैट इज रिकॉल। तो वही है कि कल मैंने क्या पढ़ा था उसको वापस आज रिकॉल करना। शब्द चेंज हो सकते हैं, सेंटेंस चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसका अंडरस्टैंडिंग है वो आपने रिकॉल करके और विद इन सेकेंड्स मिनट्स आप उसको करके और अपने टॉपिक को कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्ट करना, मतलब जो कि आपका 3R है, जो कि आप मेमोरी पे, परमानेंट मेमोरी पे उसको रिफ्लेक्ट करना है। आपका जो ब्रेन है दैट इज अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को बहुत तवज्जो देते हैं लेकिन हम ही वो व्यक्ति हैं जो कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटराइज्ड है और हमको पुरानी कितनी बार याद रहती है और ताजी, तो अगर कोई भी चीज आपकी मेमोरी में डाल दी गई है तो उसको परमानेंट मेमोरी में ही डालिए, उसको ऐसे टेम्पररी में नहीं डालिए कि अरे छोड़ो सोच रखेंगे तो वो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी, और जब वो परमानेंट मेमोरी में रहेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो पाएगी। और लास्ट में रिव्यू या रिवीजन करना कि कोई भी चीज को आप स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है आपकी उसमें अपने नोट्स को वीकेंड पे अपने आप को रिवाइज करना, मतलब जो टेस्ट या क्विज लेके रिवाइज करना, आप कॉपी वीकेंड सैटरडे को बैठ जाओ और एक क्वेश्चन कर लो तो वो आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी होगी, आपका ओके फोर आर मेथड के थ्रू आप हो सकते हो। और अब लास्ट में ये देख लीजिए कि हम जो
मैं पर्टिकुलरली ये थ्योरी पे मैंने अपने बच्चों को डाला हुआ है कॉलेज के, तो काफी उनको फायदा है कि 5 डे थ्योरी, मतलब पांच, जैसे आज हम बैठे हुए 7 तारीख को, हमारा एग्जाम 8 तारीख को है, तो पिछले 5 दिन 7, 6, 5, 4, 3 तीन तारीख से हमको पढ़ना है, 3 तारीख को टेक्स्ट बुक और हैंडआउट्स, नोट्स बहुत सारा पढ़ना है, हाईलाइट करना है, 4 और 3 वो पांचवा दिन होगा, फिर चौथा और तीसरा दिन हमको राइटिंग में और मेमोराइज करके और इन स्ट्रेटजीज पे करना है, और तीसरे दिन आपको सोचना है क्वेश्चंस को क्या आप क्या लिख सकते हैं, और तो पहला दिन होगा जो आपका टेस्ट का दिन होगा, उस दिन आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें याद आएंगी जो आपकी दूसरे तीसरे चौथे दिन आपने करी थी। तो ये देख लीजिए कि आपकी ये जो एग्जामिनेशन की जो प्लानिंग है उसमें जो उल्टा करते हैं हमारे बच्चे कि पहले दिन, मतलब आज 7 तारीख है, कल एग्जाम है तो आज पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ना, आज से पीछे पांचवे दिन है जो आपको दूसरे दिन मेमोराइज में लाना है और पहले दिन एग्जाम है। उसके अलावा जो सबसे अबव ऑल इम्पोर्टेंट बात है कि हल्का आहार खाना है और ब्रेकफास्ट और लंच बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और रेस्ट भी लेना है, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड आपको लेना है। मतलब एग्जामिनेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दें, एग्जामिनेशन का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप किताब लेके रात भर बैठे रहें, बिल्कुल भी नहीं है। 5 डे प्लानिंग, ये जो आपको बताया है प्लानिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की, ये बिल्कुल करिए आप, आपको खुद ही, मतलब बुराई नहीं है ना कि आप पांचवे दिन गंभीरता से पढ़ रहे हो फिर धीरे धीरे उसको स्लो डाउन कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो पूरा कुछ परमानेंट मेमोरी में जा रहा है और वही फिर आपको वापस आता है एग्जामिनेशन के दिन। तो दैट इज द सक्सेस ऑफ योर गुड एजुकेशनल दिस थिंग, मतलब की ऑफ दिन। अब आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, इंटरैक्टिव। अच्छा, नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो यही बता दीजिए, क्या इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, यही बता दीजिए मुझे। प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन इज नॉट दैट मच टफ, लेकिन मुझे लगता है कि इट इज मोर टफ क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग। तो बताइए, इधर कोई पूछ रहा है, हरदा में सब हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, शिवपुरी, जबलपुर, हरदा, मरनी, हरदा और हरदा दो हैं। पूछ रहे हैं क्या जमा कर रहे हैं, शिवपुरी में पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछिए बच्चों। नो क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए फिर मेरी तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।